एक और चीज भी है जो हमने रमजानों में मिस करी है, और सूप आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉन्स और श्रिम्स वगैरह सब कुछ जबरदस्त क्वांटिटी में मौजूद है। इस वक्त बटरफ्लाई प्रॉन्स आ चुके हैं। अच्छा मैं आपको पता है बटरफ्लाई प्रॉन को ये बटरफ्लाई प्रॉन क्यों कहते हैं? क्यों? ये है ड्राई बीफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सूफिया हुमायूं मुनीफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत ज़बरदस्त गुजर रही होगी जनाब। रमज़ान में आपका साथ रहा और बहुत ज़बरदस्त हम आपको जगहों पे जहां जहां बुफे हमें सुना के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपको लेके गए, और अब जो जनाब बुफे का जो सीन है वो हम थोड़ा सा कम करेंगे और अभी अलाकार्ट की तरफ थोड़ा सा हमने रुख किया है। एक और चीज़ भी है जो हमने रमज़ानों में मिस करी, वो है चाइनीज़ रेस्टोरेंट पर हम नहीं गए थे रमज़ानों में। पूरा जितना भी बुफे थे उसमें हमने बारबेक्यू और दूसरी चीज़ों पर फोकस किया, और इस दफ़ा ईद पे फिर हमने सोचा चाइनीज़ काफ़ी दिन से मिसिंग था और चाइनीज़ का प्लान करते हैं। जी जनाब, और जब होती है चाइनीज़ की बात तो अगर आप कराची में रहते हैं तो जनाब डायनेस्टी का नाम सबसे पहले आता है जहन में, और आज हम आपको लेके जा रहे हैं डायनेस्टी पे। और अगर आप भी देखना चाहते हैं कि डायनेस्टी में क्या है खास, तो फिर चले हमारे साथ। जी व्यूअर्स, ये है डायनेस्टी का मेन्यू, और पहले जो इनकी स्पेशलिटीज हैं उनमें से हम कुछ ऑर्डर करेंगे। इनकी ये सिग्नेचर डिशेज हैं जो कि लास्ट टाइम हमने ये पिकिंग डिश इनकी ऑर्डर की थी तो अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वाव नहीं थी ये। और लॉबस्टर भी इनका अच्छा होता है, आज देखते हैं कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। ये इनका सी फूड है, मेन्यू भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। बीफ लैम्प इसमें भी आपको मिल जाएगा, वेजी कॉर्नर भी है, नूडल्स भी हैं। मेन्यू इनका अच्छा रिच है और आपके पसंद का चाइनीज़ इसमें आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा डेजर्ट में ऑप्शन थोड़े कम है यहाँ पे, बस ये मौजूद है, वरना अमूमन तो यूजली ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे आपको मिलता भी नहीं है कुछ जैसे कि यहाँ पे है। जी मायो, आज यानी कि चाइनीज़ का मूड था और चाइनीज़ का चाइनीज़ असल में रमज़ानों में जितने भी हमने बूफे खाए ये खाए वो ऑब्वियसली आपको पता है वो प्रॉपर चाइनीज नहीं होता, सिर्फ मंचूरियन और चिली तो इसी तरह फॉर्मेलिटी चाइनीज़ की एक दो डिशेज होती हैं जिसको प्रॉपर कहते हैं ना वो चाइनीज़, वो चाइनीज रेस्टोरेंट में आए। और डायनेस्टी तो आपको पता है शुरू से मेरा फेवरेट है। बिल्कुल जी सोफिया, तो यहाँ की चाइनीज के बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए डायनेस्टी के चाइनीज ने इतने सालों में कभी भी आज तक रिकॉर्ड है कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, हमेशा जो भी डिशेज ऑर्डर करते हैं यहाँ पे बेस्ट बहुत जबरदस्त होती है। और आपको याद है शादी के बाद सबसे पहले जो चाइनीज था हमारा साथ वो यहीं पर था? हाँ, कुछ यादें भी व्यवस्था है, यादें है ना, लॉबस्टर खाया था। लॉबस्टर जी बिल्कुल, और उस वक्त मैंने लॉबस्टर नया नया खाना शुरू किया था, उस वक्त मैं लॉबस्टर नहीं खाती थी। उस वक्त प्रॉन क्रैकर सर्व हो गए और जिसके साथ अभी थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा हमारा। हेलो, ये क्रैकर्स मुझे सॉस के साथ बहुत पसंद है। ये सूप सर्व हो चुका है और 10 सीज हैं, और इसके अंदर देखते हैं कि सी के कौन कौन से क्रिएचर हैं इसमें मौजूद हैं। वैसे प्रॉन्स और फिश तो है, लॉबस्टर और क्रैब नहीं है। लेकिन जी जनाब ये सूप आ गया है, और सूप आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉन्स श्रिम्स वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त क्वान्टिटी में मौजूद हैं, और टेस्ट मुझे देखने में ये लग रहा है कि हमेशा की तरह ज़बरदस्त ही होगा। और लेकिन अभी फिर भी हम टेस्ट करके इसका रिव्यू देंगे आपको। गर्म बहुत हो रहा है इस वक्त। देखिए मुझे सबर नहीं हो रहा भाई, ये तो बेमानती हो रही है मेरे साथ हमेशा की तरह। नहीं नहीं बहुत जबरदस्त है, आप जल्दी से ट्राई करें। अच्छा, लेकिन गर्म इतना है कि आपका ठंडा भी नहीं हो रहा अभी, आप आराम से पी सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये है सॉल्ट एंड पेपर बटरफ्लाई प्रॉन्स, क्योंकि रमजान में अफ्तार बुफेट वगैरह पे टेम्पोरा प्रॉन्स काफी दफा खा लिए थे, तो इस दफा ये हमने बटरफ्लाई प्रॉन्स ऑर्डर किए हैं, और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसे हैं ये। तो सूप आपने भी आपको पसंद आया?
जी बिल्कुल सूप पसंद आया और ये इस वक्त बटरफ्लाई प्रॉन आ चुके हैं। अच्छा मैं आपको पता है बटरफ्लाई प्रॉन को ये बटरफ्लाई प्रॉन क्यों कहते हैं? क्यों? जब प्रॉन बहुत शरारत करता है ना तो उसकी पिटाई करते हैं और वो बटरफ्लाई की तरह इस तरह बन जाता है। मैं ये नहीं बोलता था उसकी कहाँ पे मारा जाता है कि बेचारे बटरफ्लाई। नहीं कहीं नहीं मारा जाता, उसको पूरा बटरफ्लाई उसको प्रॉन को कट करके इस तरह होता है कि बटरफ्लाई बन जाती है। चलो टेस्ट करें पिटाई के बाद कैसा रहा। अच्छा बच्चा बन गया है वो। अच्छा बच्चा बन गया। बहुत जबरदस्त 10/10। व्यूअर्स आप यहाँ पे डायनेस्टी आए तो ये बटरफ्लाई सॉल्ट एंड पेपर बटरफ्लाई प्रॉन जरूर ट्राई कीजिएगा, जबरदस्त है ये। देखते हैं इसमें चिली, मुझे ग्रीन चिली इतनी पसंद है ना, ये सॉस मैंने कितना सारा लिया। ओह माय गॉड, और इसके बाद जो है ना पानी की जबरदस्त जरूरत पड़ गई। इस वक्त पानी पी लूं उसके बाद बातें करूंगी। भाई मजेदार बेगम जो है ना पूरे रमजान के बाद आज है टेस्ट आज मिला है ना, क्योंकि बुफे में ना वाकई में सही कहते हैं कि थोड़ा सा जो ना टेस्ट वो नहीं होता जो आप अलाकार्ट में ऑर्डर करते हैं ना। मेन कोर्स के लिए तैयार रहिए, असल तो खाली अभी पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल खाना सर्व हो चुका है। हम टेस्ट करते हैं फिर आपको। एक हमने बीफ की डिश ऑर्डर की है और प्रॉन की तुम्हारी मस्त होती है और गार्लिक का प्रॉन्स हमें गार्लिक जी व्यूअर्स ये है ड्राई बीफ। ड्राई बीफ भी ट्राई करते हैं जनाब और इसमें मुझे ग्रीन चिलीज भी नजर आ रही है, अभी पसंद की माया मैं ही लगती हूँ जहाँ डिश में ग्रीन चिली मिल जाती है। ओए 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 बेटा ये तो बस ये है गार्लिक प्रॉन्स जबरदस्त किस्म के, ये है जनाब गार्लिक प्रॉन्स और टेस्ट करते हैं राइस के साथ। आ गया मजा। बटरफ्लाई दादा अच्छे थे, ये वाले दादा अच्छे, ये अच्छे हैं। अच्छा इनकी पिटाई नहीं हुई थी ना अच्छे बच्चे। इनकी पिटाई हुई थी ज़्यादा अच्छे बच्चे बन गए थे। सही राइस भी बहुत अच्छी है और ड्राइविंग भी चेक कर लेते हैं। ड्राई बीफ में समझ रही थी जितना नाम से ड्राई लग रहा है ना वैसा कुछ ड्राई होगा लेकिन थोड़ा है ड्राई लेकिन मॉइस्ट मुझे ऐसा नहीं लगा। जूसी है कुछ, हाँ सॉफ्ट टेंडर बिल्कुल ना, हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत टेस्टी। अभी जो रियाद में हमने खाया था बीफ वाला उसकी तरह ही मुझे लग रहा है। अभी हम आप लोग जल्द करेंगे जी। मायो आपको कैसा लगा आज डायनेस्टी का चाइनीज? डायनेस्टी हमेशा की तरह जो है ना देखे सोच के बोलेगा डायनेस्टी जो ना मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए हमेशा से 10/10 वाला सीन रहा है यहाँ पे। देखा मैंने तो साइड पे आपके ऊपर कैमरा रख के पीछे से खाया जा रहा था। सही पाँच छह कमर खाने के बाद देखा कि आप यहाँ का क्या चीज कह रहे हैं आप? दुनिया में डिश सेट पे निकाल ही रहे हैं डिश से बेस्ट। सही हमने डायनेस्टी का व्यूअर्स तकरीबन सारा मेन्यू ही अमूमन हमारे कितना होगा तकरीबन सारा मेन्यू ही ट्राई कर चुके हैं डिश ना, और हर डिश यहाँ की जो है ना हर दफा एक से बढ़कर एक होती है। हाँ ड्राई आज ड्राई बीफ पहली दफा किया ड्राई अमूमन हम लोग यहाँ आते हैं। वाह भाई बेगम वाह वाह। देखा वैसी चाइनीज इतना लाइट है उसके ऊपर आपने ये पी लिया तो हजम कर देगा, फिर तो हमें रात को फिर कहीं और जाना पड़ेगा। नहीं प्रॉन और फिश जो खाइए ना उसको मजा आ रहा होगा अंदर से स्विमिंग करने में। थैंक यू।
क्रैकर्स, हमारा आज डायनेस्टी का विजिट बहुत अच्छा रहा, हमेशा की तरह जबरदस्त खाना, फूड, एम्बियंस, सब कुछ 10/10, हाईली रिकमेंडेड है। जरूर आइए, प्लान कीजिए यहाँ पे और यहाँ के मजे मजे खाने इंजॉय कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। फी अमान अल्लाह।